नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। इस वक्त हम खड़े हैं थाने के माजीवाड़ा प्रभाग समिति के ऑफिस के सामने, और आपको बता दें कि 2 नवंबर को हमने माजीवाड़ा प्रभाग समिति के अंतर्गत आने वाले पातलीपाड़ा का एक खबर चलाया था, जिस खबर में ये बताया था मैंने कि सरकारी ज़मीनों पर किस तरह से भूमाफिया अपना कब्जा जमाए हुए हैं। और उस खबर को दिखाने के बाद इतने दिनों बाद जब इस कार्यालय में मैं आया तो यहाँ के कुछ अधिकारियों ने नाम ना छापने के शर्त पे बताया कि महानगर पालिका को ये तक नहीं पता है कि ये उनकी जगह है, इसलिए भूमाफिया आराम से इस जगह पे कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या महानगर पालिका को ये पता ही नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे महानगर पालिका के भूखंड का बोर्ड लगा होता है, लेकिन इतनी बड़ी परिवहन को दी हुई जमीन के ऊपर आखिर महानगर पालिका की निगाह कैसे नहीं पहुंची? आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से भूमाफिया ने बस स्टेशन के लिए रिजर्व किए गए थाने महानगर पालिका के जगह को भूमाफिया ने अपने गाल में समा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या माजीवाड़ा प्रभाग समिति के मौजूदा सहायक आयुक्त संतोष बजरकर कार्रवाई करेंगे, या फिर इस भूमाफिया का साथ देकर इस सरकारी जमीन को निपटाने की कोशिश करेंगे? क्या इस मामले में नीचे से लेके ऊपर तक अधिकारी लिप्त हैं, या फिर जानबूझ के अंधा बनने का नाटक कर रहे हैं? देखना यह है कि इस मामले में विपिन शर्मा क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर भूमाफिया के साथ मिलकर ये सरकारी ज़मीन को निगल जाते हैं। लगातार हम इसकी अपडेट आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी संदीप पालवी के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ ठाणे। नमस्कार, मी मंगेश देसाई, ठाणे महानगरपालिके